आज मम्मा बना रही थी मटन हफ्ते बिरयानी, उसके लिए घर में कुछ चीज़ें नहीं है तब हम वो लेने जा रहे हैं। मम्मा क्या क्या लाना है? दालचीनी, सूखा धनिया और काजू। तो ये तीन चीज़ें अब हम लेने जा रहे हैं। जा रहे हैं फतेह चीज़ें लेने, देखते हैं फतेह खुली भी या नहीं। आ गए फतेह, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फतेह बंद है जुम्मे की वजह से। ये देखिए, मार्केट कब खुलनी है? ओके। आज फ्राइडे है जिस वजह से वी मॉल बंद है और सारा वी मॉल खाली है, वरना नॉर्मल डेज पे यहाँ बहुत रश होता है। सारा का सारा खाली। पहचान चले चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मटन अवधी बिरयानी, और इसके लिए हमें चाहिए मटन 1 किलो, 2 बड़े प्याज, काजू का पेस्ट, दालचीनी, मोटी इलायची, जायफल जावित्री, अदरक लहसुन पेस्ट, सब्ज़ इलायची, ज़ीरा, सूखा धनिया, लौंग और बिरयानी के लिए पत्ते और प्लेन दही। अब हम सारे मसाले हल्के से रोस्ट कर लेते हैं। सूखा धनिया, ज़ीरा, दालचीनी, मोटी इलायची, सब्ज़ इलायची, लौंग, पत्ते, थोड़ी थोड़ी जायफल जावित्री। अब हम इन सब मसालों को अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। अब हम ये सब जो रोस्ट किए हुए मसाले हैं इनको ग्राइंड कर लेंगे। अब हम गोश्त को मैरिनेट कर लेते हैं। अब हम बाकी मसाले इसमें डाल लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून मैरिनेशन में डालेंगे और बाकी हम फ्राई करेंगे। नमक हसब ज़ायका। चिली पाउडर 1/2 टीस्पून। क्रश चिली 1.5 टीस्पून। हल्दी 1/2 टीस्पून। और ये जो हमने सारे मसाले रोस्ट करके रखे हुए हैं, जो हमने बिरयानी के लिए सारे साबुत मसाले रोस्ट किए थे, ये वो मसाला हम इसमें डाल देते हैं। काजू का पेस्ट, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसको ना मैरिनेट होने के लिए आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें देसी घी यूज़ होता है, अब हम डालेंगे देसी घी। फिर अदरक लहसुन पेस्ट, फिर
अदरक लहसुन पेस्ट हल्का सा ब्राउन हो गया, हम अब हम इसमें डालते हैं प्याज। एक किलो गोश्त है और मैंने एक किलो ही चावल लिए हैं, यह है सुपर बासमती राइस। ये देखिए प्याज हल्के से ब्राउन हो रहे हैं। अब प्याज लाइट ब्राउन हो गया, अब हम इसमें टमाटर डाल देते हैं और इनको अच्छे से जो है ना भून लेते हैं। इस तरह टमाटरों को अच्छे से भून लें, जब ये पेस्ट बन जाएगा फिर उसके बाद हम इसमें मैरिनेट किया हुआ गोश्त डाल देंगे। ये देखिए टमाटर भून गए, अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ गोश्त डाल देते हैं। फिर हम थोड़ा इसमें पानी डालेंगे क्योंकि ये मटन है तो इसको थोड़ा टाइम चाहिए गलने के लिए। ये अच्छे से मिक्स हो गया, अब हम थोड़ा सा इसमें पानी डाल देते हैं ताकि गोश्त गल जाए। अब हम आधे घंटे के लिए इसको कवर करके तो मीडियम आंच पे पकाएंगे, जब गोश्त गल जाएगा फिर इसको भून लेंगे। हम देखते हैं गोश्त थोड़ा नरम हो गया, अब हम आंच थोड़ी तेज करके पानी जल्दी खुश्क कर लेते हैं। साथ हम पानी बॉयल रख लेते हैं चावलों के लिए। फिर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा विनेगर डालेंगे और सॉल्ट। ये देखिए जब पानी खुश्क हो जाए तो इस तरह अच्छे से आप गोश्त भून लें। हम थोड़े से काजू रोस्ट कर लेते हैं क्योंकि ये मुगलियाई बिरयानी है तो इसमें ये डाले जाएंगे। अब हम इनकी लेयर लगाते हैं, उसके पहले मैं थोड़ा सा नीचे ऑयल डाल देती हूँ ताकि चावल नीचे ना लगे। अब हम इस लेयर के ऊपर जो धनिया पुदीना हमने काट के रखा हुआ है वो डाल देते हैं। ये हर लेयर के ऊपर थोड़ा थोड़ा डालना। अब हम दोबारा चावलों की लेयर देते हैं। हम थोड़ा सा दोबारा धनिया पुदीना ऊपर डाल देते हैं और चावल जो बाकी बचे हुए वो सारे इसमें डाल देते हैं, लेयर लगा देते हैं। अब हम इसमें थोड़ा ज़ाफ़रान डालेंगे। धनिया पुदीना बचा हुआ है ये डाल देंगे। ये येलो फूड कलर हमने मिक्स करके रखा हुआ है ये डाल देंगे। अब जो हमने ये काजू रोस्ट करके रखे हुए थे ये भी ऊपर डाल देंगे। अब
हम इसको दम के लिए रख देंगे। अब हम इसको दम पे रखते हैं, पहले 5 मिनट फुल आंच पे, फिर 7 मिनट बिल्कुल हल्की आंच पे इसको दम देंगे हम। अब हम दम खोलते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये हमारी मटन अब दी बिरयानी तैयार है। अब हम इसको सर्व करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी मटन अब दी बिरयानी तैयार हो गई है। ये आप रायते के साथ इंजॉय करें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।